हम इनको गुणा करेंगे तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे माइनस, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, जमा का हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब भी पावर किसी माइनस संख्या की पावर सम संख्या होगी तो वो धनात्मक बन जाती है बाद में, ठीक है। अगर यहाँ पे ऋण ऐसी होगी ओड नंबर, ओड नंबर का मतलब विषम संख्या होगी, जैसे एक हो या तीन हो, पांच हो, सात हो, नौ हो, तो ये माइनस ही रहती है, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीके है आपको बता रहा हूं। तो ये आ जाएगी आपके पास तीन की पावर चार गुना पांच की पावर चार बटे तीन की पावर चार। तो अब ये देखो तीन की पावर चार है गुना है और नीचे भी तीन की पावर चार है, तो ये पूरी की पूरी ये कैंसिल होगी इसके साथ। तो पांच की पावर चार रहेगा, तो पांच को चार बार गुणा करते हैं तो कितना आएगा, पंजू पंजा पच्चीस को पच्चीस से और गुणा कर दो, छह सौ पच्चीस आपका आंसर आएगा, ठीक है। पच्चीस को पच्चीस से छह सौ पच्चीस, यानी पांच को चार बार गुणा करोगे आप छह सौ पच्चीस आएगा। पता लगेगा कैसे आया, ठीक है, क्योंकि ये देखो पांच गुना पांच गुना पांच गुना पंजू पंजा पच्ची पच्ची पंजा एक सौ पच्ची, एक सौ पच्ची को पांच से गुना करेंगे तो छह सौ पच्ची आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, तो ये फिफ्थ पार्ट है इसका, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए, दो की पावर माइनस तीन है, माइनस सात की पावर माइनस तीन है, तो दो की पावर माइनस तीन है तो इसकी पावर पॉजिटिव बना लेते हैं तो नीचे चला जाएगा, एक की पावर दो, दो की पावर तीन, यानी वन अपॉन टू की पावर थ्री, ठीक है। गुना माइनस सात की पावर माइनस तीन है तो इसकी पावर एक बटे माइनस सात की पावर तीन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इसकी माइनस की पावर ओड नंबर है तो कैसी संख्या रहेगी, माइनस की रहेगी, ठीक है। तो ये एक बटे दो की पावर तीन का मतलब क्या, कितना आ जाएगा, दो को तीन से तीन बार गुना करके, दो दुनी चार दुनी, तो ये एक बटे आठ आ गया, और ये आ जाएगा सात गुना सात गुना सात, सतु सात को सात से गुना करेंगे फोर्टी नाइन उनचास, और उसको सात से गुना करेंगे कितना आएगा भाई, सात नी में तिरसठ, सात चौके अठाईस और छह अठाईस छह, तो ये आ जाएगा माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस तीन चार तीन, ठीक है। अब आठ को इससे गुणा करेंगे और ये सारी संख्या माइनस की आएगी, तो ये आपने करना है खुद, ठीक है। आठ गुना तीन सौ तैतालीस, तो आठ को तीन सौ तैतालीस से गुणा करना है और माइनस की संख्या आएगी, तो ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। तो आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीन, ठीक है। एक्सरसाइज में 12.1 चल रही है, कक्षा आठ है, गणित है, घातांक और घात है अध्याय 12। तो इसमें 12.1 पहली एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन हम इससे पहले वीडियो में समझ चुके हैं, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन, इसका फर्स्ट पार्ट ये है तो इसको कर लेते हैं, सेकंड पार्ट ये है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो, अब हमारे पास आ गया है तीन की पावर जीरो प्लस चार की पावर माइनस एक और दो की पावर दो। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में नई चीज आई है कि पावर जीरो आ गई है, ठीक है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि किसी भी संख्या की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू आपने एक लिखनी है। तो यहाँ तीन की पावर जीरो है तो इसका मतलब यह क्या आ गया, एक जमा। अब इसमें बीच में जमा भी आ गया, पहले क्वेश्चनों में हमने बीच में गुणा ही होती थी, ठीक है। तो अब जमा भी आ गया बीच में, चार की पावर माइनस एक का मतलब क्या है, वन अपॉन, ठीक है, पॉजिटिव बनाएंगे इसको,
तो एक बटे चार आ गया ये, माइनस की पावर नीचे प्लस होगी, यानी प्लस वन लिख सकता हूं मैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बटे चार हम लिख सकते हैं, और ये क्या आ गया देखो, दो की पावर दो कितना होता है, चार ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये आ गया एक जमा एक बटे चार, तो एक के बटे भी हम एक कर लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। निश्चल गोतम कितना आ गया भाई, चार। तो इस अब यहाँ पे क्या आएगा, चार को एक से भाग देंगे, चार आएगा और ऊपर चार, तो ये चार ही आ गया एक तरह से, जमा एक एक, ठीक है। और गुणा बाहर चार है, चार जमा एक पांच, बटे चार गुना चार, चार चार कर दो, तो ये आ गया आपके पांच, पास पांच, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, दो की पावर माइनस एक है, चार की पावर माइनस एक है, डिवाइड है दो की पावर माइनस दो। तो अब इस दो की पावर माइनस एक का मतलब क्या है, वन अपॉन टू, या भी ये मल्टीप्लाई है, वन अपॉन फोर, ठीक है। और डिवाइड बाहर है टू की पावर माइनस टू। अब ये एक बटे दो है गुना एक बटे चार है, तो कितना आ जाएगा, एक बटे चार, दो चौके ये गुना है बीच में, तो ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे, तो एक गुना एक एक होता है, और दो चौके आठ, आठ, तो दो चौके आठ आ गया। और डिवाइड करेंगे, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब है भाग, ठीक है। तो ये सारी चीज नीचे चली जाएगी, तो ये गुणा करके हम बात को लिखेंगे, गुणा में चेंज करेंगे और इसको नीचे लिख देंगे, एक बटे दो की पावर माइनस दो, ठीक है। इस डिवाइड की वजह से हम इसको नीचे ले गए, अब इसी इस माइनस पावर की वजह से हम इसको ऊपर ले जाएंगे, प्लस करनी है हमने पावर, तो ये आ जाएगा वन अपॉन एट मल्टीप्लाई दो की पावर माइनस दो, नीचे है जो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से समझे, दो की पावर दो, ठीक है। अब दो की पावर दो कितना होता है, चार, तो ये आ जाएगा एक बटे आठ गुना चार, तो कैंसिल कर देते हैं, चार दूनी आठ, तो कितना आ गया आंसर, एक बटे दो, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन करना है ये, तो इसका अगला पार्ट भी कर देते हैं, ये कर लिया आपने, हाँ भाई बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर तीन। तो इसमें देखिए, ध्यान से समझे सभी, तो इसमें है आपके पास वन अपॉन टू की पावर माइनस टू है, वन अपॉन थ्री की पावर माइनस टू, वन अपॉन फोर की पावर माइनस टू, ठीक है। तो अभी ये देखो, जब पावर सारी सभी संख्याओं की सेम हो, तो हम उनको इकट्ठा करके पावर इकट्ठी एक ही बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको या तो आप क्या करो, इनको अलग अलग पावर सबकी सॉल्व करो, या पहले इनको सॉल्व कर लो, बाद में पावर लिख लियो, ठीक है। दो तरीके से हम कर सकते हैं इसको, तो हम क्या कर लेते हैं, चलो इसको इकट्ठा करके इसकी पावर बाहर लिख लेते हैं एक ही बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर, और सारे को ब्रैकेट में लिखे माइनस दो लिख दिया बाहर, क्योंकि माइनस दो सबकी पावर माइनस दो है, इसलिए मैंने ये कर दिया है, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, पहले एलसीएम लेके लघुत्तम लेके सॉल्व, इनका लघुत्तम कितना आएगा, बारह आ जाएगा, क्योंकि बारह वो संख्या है जो चार के पाड़े में भी आती है, तीन के में भी, दो ठीक है, दो के में भी।
तो 12 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों के पढ़े में आती हो, तो 12 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। जमा यहाँ 4 आ जाएगा, जमा यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 6 क्यों आया, देखो हम 12 जो एलसीएम लेते हैं ना उसको बीच में रखेंगे, 2 से भाग देंगे, कितना आ गया 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, ठीक है। ऐसे ही 12 को 3 से भाग दिया, 4 आ गया, 4 गुणा 1 4, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया ये। अब 6 और 4 10 और 3 अभी आ गया 13/12 और इसकी पावर -2 भी है भाई, और इसकी पावर भी -2 है, ठीक है। अब क्या करें, हम इसको पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसको उल्टा देते हैं, नीचे की चीज ऊपर लिख दो, ऊपर की नीचे, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। तो हम लिखेंगे 12/13 की पावर 2, पहले माइनस का 2 था अब प्लस का 2 हो गया, तो अब आप इसको गुणा कर सकते हो, 12 को 2, 12 गुना 12 144, 13 गुना 13 169, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन है, इसी का फोर्थ पार्ट है आपके पास, फोर्थ पार्ट में देखो, अगर हम ये देखो ब्रैकेट के अंदर है सारा सामान, ठीक है, और उसकी पावर 0 है, तो किसी की भी पावर 0 हो तो इसका आंसर आप सीधा 1 लिख सकते हो आंसर, क्योंकि इन सारे की पावर 0 है तो इसलिए आंसर 1 लिख दिया, ठीक है। आप इसको सॉल्व कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे की पावर अगर आप सॉल्व भी करोगे फिर लास्ट में देखेंगे आप पावर इसकी 0 है, फिर 1 लिखोगे तो आप पहले लिख दो, ठीक है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है आपके पास, -2/3 की पावर -2 है और फिर सारे की पावर -2 है, ठीक है। अब ये 2 पावर इकट्ठी होगी, देखो 2 पावर इकट्ठी होगी, तो जब 2 पावर इकट्ठी होती है तो क्या करें, क्या करें, जब दोनों पावर इकट्ठी हो जाती है तो इसका मतलब इनके बीच में क्या है, गुणा है, तो ये आ जाएगा आपके पास -2/3 की पावर -2 गुणा -2, जब दोनों पावर इकट्ठी हो रही, यानी पावर की मेयर पावर है रही, तो आप उनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो अब ये दोनों माइनस की है तो जमा का, तो -2/3 की पावर जमा का 4, ठीक है। अब माइनस, अब ये देखो माइनस है पावर 4 है तो क्या जगह है, जब अंदर संख्या माइनस की हो और पावर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो प्लस आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपके पास 2/3 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 4 16 और 3 की पावर 4, 3 दिए 9 में, तो आपका ही आंसर आ गया, ठीक है। 3 को 4 बार गुणा करेंगे 81 आएगा, 2 को 4 बार गुणा करेंगे 16 आएगा, बस वही। आगे है क्वेश्चन नंबर 1, ये 4 है इसका पहला पार्ट है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 की पावर -1 है, 5 की पावर 3 है, 2 की पावर -4 है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, देखो 8 की पावर -1 का मतलब क्या करें, 8 को नीचे ले जाए, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 5 की पावर प्लस में है तो ऊपर ही रखेंगे इसको,
तो पांच को तीन बार गुणा कर सकते हो आप, या बाद में कर लेंगे, पांच की पावर तीन बटे आठ की पावर माइनस एक था तो नीचे आठ ले जाएंगे तो आठ की पावर प्लस एक हो जाएगी, तो आठ ही लिख देंगे हम इसको, क्योंकि पावर एक है तो लिखो ना लिखो, ठीक है। ये माइनस का था, ये नीचे आ गया। फिर उसके बाद दो की पावर माइनस चार है तो इसकी पावर पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ऊपर ले जाए तो ये आ जाएगा गुणा में, यहाँ पे दो की पावर चार हो जाएगा, दो की पावर जमा का चार जमा। तो अब ये देखो दो की पावर चार है तो ये दो की पावर चार कितना होता है, सोलह। तो ये आ जाएगी, जब पांच की पावर तीन होता है तो कितना आएगा, पांच गुणा पांच पच्चीस गुणा पांच एक सौ पच्चीस, और दो की पावर चार है सोलह, कितना है, ठीक है। दो की पावर चार कितना, सोलह, और नीचे आठ है तो आठ दूनी सोलह, एक सौ पच्चीस को दो से गुणा करें, एक सौ पच्चीस और एक सौ पच्चीस कितने होते हैं हमें, दो सौ पचास, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करेंगे, सेकंड पार्ट। पांच की पावर माइनस एक है, दो की पावर माइनस एक है, छह की पावर माइनस एक है, और सभी के सभी आपस में गुणा है, सभी की पावर सेम है तो एक ही इकट्ठी पावर लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा पांच गुणा दो गुणा छह और सारे की पावर माइनस एक, ठीक है। पांच दूनी दस के साठ की पावर, ठीक है। पांच दूनी दस के साठ, साठ की पावर माइनस एक, तो साठ की पावर माइनस एक का मतलब साठ आठ, साठ की पावर माइनस एक का मतलब वन अपॉन साठ, एक बटे साठ आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं भाई, रोक दे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर पांच है आपके पास, एम का मान याद करना है, एम का मान याद कीजिए। इसमें देखो पांच की पावर एम है, डिवाइड है पांच की पावर माइनस तीन और पांच की पावर पांच, तो हमने एम का मान निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो पांच की पावर एम है, ये डिवाइड में नीचे चला जाएगा, पांच की पावर माइनस तीन नीचे जाएगा, ठीक है। पांच की पावर माइनस तीन इक्वल टू यानी बराबर पांच की पावर पांच, पांच की पावर पांच। तो अब ये देखो ये माइनस के हैं तो ऊपर ले जाओ इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास पांच की पावर एम गुणा पांच की पावर तीन और बराबर में है पांच की पावर पांच ही है, बराबर है यानी इसके बराबर रखना है, अभी एम की वैल्यू निकालनी ना इसमें, तो ये दोनों उधार बराबर है भाई, तो इनकी पावर्स सेम जोड़ दे तो ये आ जाएगा पांच की पावर एम जमा तीन बराबर पांच की पावर पांच। तो अब ये देखो ये पांच ये भी और ये दोनों बराबर है, बीच में आधार बराबर होने चाहिए, अगर आधार बराबर है तो और बीच में बराबर का साइन है तो उनकी पावर्स भी बराबर लिखेंगे, यानी एम जमा तीन बराबर पांच, क्या लिखें, एम जमा तीन बराबर पांच, एम जमा तीन बराबर पांच, ठीक है। एम जमा तीन बराबर पांच, अब एम ये तीन को हम बराबर से दूसरी तरफ ले जाएं, क्या आ जाएगा माइनस, एम बराबर पांच माइनस तीन, तो पांच में से तीन गए दो, तो एम बराबर दो आपका आंसर आ गया, एम का मान हमने निकालना था, ठीक है, आया समझ में। तो इसमें अगला क्वेश्चन आपके पास छठा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है।
एक बटे तीन की पावर माइनस एक है, तो इसकी पावर प्लस बनाने के लिए हम तीन को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। और चार की पावर माइनस प्लस बनाने के लिए चार को भी ऊपर लिख लेते हैं, ठीक हो जाएगा ऐसे। क्योंकि अगर एक की पावर माइनस एक ही है, एक तीन की पावर भी माइनस एक है, यानी छह, तो ऊपर ले जाते हैं इसको। तो यह आ जाएगा तीन माइनस चार की पावर माइनस एक। ये समझ में आया कैसे लिखा है? हाजी समझ में आया? हाजी। तो ये कितना आया अंदर? माइनस एक। तो माइनस एक की पावर माइनस एक बराबर कितना आया? माइनस माइनस एक की पावर माइनस एक कितना आया? एक। माइनस एक ही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा? इसको नीचे ले लो, एक बटे माइनस एक, ठीक है। और माइनस ये माइनस ही रहा है, ठीक है। आया समझ में? बस अगला क्वेश्चन देखो, पांच बटे आठ की पावर माइनस सात है और गुणा में है आठ बटे पांच की पावर माइनस चार, ठीक है। तो अभी देखो, इनके पांच बटे आठ है, ये आठ बटे पांच है, तो मैं एक को उल्टाऊंगा, यानी एक की पावर पॉजिटिव बना देता हूँ। तो ये आ जाएगा, जैसे आपके पास पांच बटे आठ की पावर माइनस के साथ है गुणा पांच बटे आठ करूंगा मैं इसको, पांच बटे आठ की पावर जमा का चार हो जाएगा। ये समझ में आया? आठ बटे पांच था, मैंने पांच बटे आठ लिख दिया और इसकी पावर माइनस की थी, प्लस निकल गई, ठीक। अब देखो दोनों के बेस सेम है, पावरों को जोड़ दें, तो ये आ जाएगा पांच बटे आठ की पावर माइनस आठ जमा चार, माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा पांच बटे आठ की पावर माइनस के तीन। अब पावर प्लस की करनी है तो इसको फिर उल्टा दूं, तो क्या आ जाएगा भाई? आठ बटे पांच की पावर तीन। तो आठ की पावर तीन कितनी होती है? आठ को अठे चौसठ अठे कर दियो अपने आप है, ये आ जाएगा आपके पास आठ गुना आठ गुना आठ बटे पांच गुना पांच गुना, तो ये आपने आंसर अपने आप बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सात है, सरल कीजिए। तो इसके दो पार्ट हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो है इसमें देखो, 25 गुना टी की पावर माइनस चार है, पांच की पावर माइनस तीन है गुना दस और गुना टी की पावर माइनस आठ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 है और ये पांच की पावर माइनस तीन है, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं प्लस करने के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा 25 गुना पांच की पावर तीन, इसलिए पावर ऊपर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। नीचे माइनस में थी, माइनस में है ना नीचे, ठीक है, तो ऊपर प्लस की होगी। अब ये गुना टी की पावर माइनस चार है इसे, ठीक है। तो इसको यहाँ ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि इसको हम ऊपर ले जाएंगे और फिर बेस बराबर करके ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा टी की पावर माइनस चार गुना ये टी की पावर जमा का आठ हो गया, ठीक है, जमा का, यहाँ तक समझ में आ गया? नीचे दस बच रहा है अभी। अब ये देखो, टी की पावर माइनस चार है, टी की पावर आठ है, तो कितना गया टी की पावर? जमा का आठ है, माइनस के चार है, तो टी की पावर चार जमा का बचेगा। और ये सारे गुना होंगे, 25 गुना पांच तीन बार और गुना, पांच को तीन बार गुना करेंगे 125 आएगा, या इसको ये काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे दो बार करते, यानी हम करेंगे इसको देखो, 25 गुना 25 गुना पांच कर लेता हूँ मैं, ताकि 10 के साथ कट जाएगा ये, और टी की पावर चार बचेगा और नीचे 10, ठीक है। ये पांच तीन बार गुना था ना,
तो दो बार गुना करके ये लिख दिया और एक पांच ये लिख दिया, तीन बार हो गया गुना, तो पांच दूनी पच्चीस को पच्चीस से गुना करें 625 टी की पावर 4/2, तो ये आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, अब ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 3 की पावर -5, 3 की पावर -5 गुना 10 की पावर -5 है ना, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, 2 गुना 5, तो 2 की पावर भी -5 होगी और 5 की पावर भी -5 होगी, तो ये 2 की -5 गुना 5 की पावर -5 स्पेस नियम मोर। ठीक है, होगी साहब। ठीक, चलो कोई 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 125 होता है। ठीक है, 5 × 5 = 25 × 125 10 को लिखा मैंने 2 गुना 5। ठीक है, 10 की पावर -5 था, भेज रहे बेटे, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 10 को लिखा है मैंने 2 गुना 5, तो 2 की पावर भी -5 होगी, 10 की पावर भी -5 होगी, और इसको ऐसे लिख दिया। और नीचे देखो 5 की पावर कितनी है -5 6 की पावर कितनी है, अब 6 को भी मैं 2 गुना 3 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 6 को मैंने 2 की पावर -5 लिख दिया, 3 की पावर -5 लिख दिया, 6 को मैंने 2 गुना 3 लिख दिया। ठीक है, उनकी पावर वही रहेगी दोनों की। अब ये देखो 3 की पावर -5 है, 3 की पावर -5 नीचे है, 2 की पावर -5 है। ठीक है, और 5 की माइनस के 7 है, और यहाँ 5 की पावर -5 है, तो इनको काट के यहाँ 5 की पावर -2 बचेगी। ठीक है, लिख दें, लिख दो, तो ये किसी के साथ काट के 5 की पावर -2 लिख दिया, लिख दिया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ, तो जमा की पावर हो जाएगी और क्या बचेगा, 5 की पावर 5 तो ऊपर है यो, और यो 2 और नीचे से ऊपर चलेगी, तो 5 की पावर 7 बचेगी, 5 को 7 बार गुना कर लियो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बंद कर दूँ।